वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। H88 कार्टेज है ये, जिसको रिफिल करने जा रहे हैं सर। तो आइए देखते हैं, चलते हैं इसमें। तो इसको देखिए किस तरह से खोलना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। ये हमारा पूरा बैच चल रहा है स्टूडेंट्स का, और ये प्रिंटर रिपेयरिंग की क्लास चल रही है। तो आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें चल रही है इसमें। अच्छे से बनाना वीडियो, सीधा रख के बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। खराब वाला जो टोनर होता है वो निकालना पड़ता है। इसको खोल के भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? जो दो, ये दो स्क्रू खोल के तो निकल जाएगा। हाँ, वो भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो शेक करना है, शेक करने के बाद डाउन करना है, खत्म, ठीक है। उसके बाद ये अपना होता है टोनर, टोनर वाला यूनिट। ये अपन ने चेंज कर दिया, ये निकाल लिया है। ये इसके सपोर्टेड गियर और वो रहते हैं वाशर। ये निकाल लिया, ये मैग्नेट निकल आया जो टोनर को पकड़ के रखता है। ये मैग्नेटिक टोनर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो बचा हुआ टोनर अपन ने बेस्ट टेस्ट, इसको दोबारा भी डाला जा सकता है? नहीं, खराब टोनर, अनयूज बोलते ना, अनयूज। जितना भी टोनर है पूरा क्लियर कर लो, उसको ब्लोवर निकालो जरा, वो रखोगा वहां पर। ब्लोवर लेके आओ, अपन ब्लोवर से पूरा क्लीन करेंगे। 88 कार्टेज रिफिल करने का मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब तक उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर 88 जो कार्टेज होती है वो तो जानवर है, यानी वो ऐसी कार्टेज है कि आप कितने भी टोनर डाल दो चलती रहेगी। वेस्टेज जो आपको मैंने इससे दिखाया है ना, वेस्टेज, ये वेस्टेज आपको निकालना है। ये निकालते जाओ उसमें डालते जाओ, ये निकालते जाओ उसमें डालते जाओ, इसको कनेक्ट करो। रेक्स इंस्टीट्यूट का है, प्रिंटर खराब हो गया था। अब इसको क्लीन करने का भी तरीका ये होता है कि जैसा मैं उसमें स्प्रे मारूंगा तो उड़ के अपने पास आएगा, तो दूर आए अपने पास। अब मैं अगर ऐसे मारूंगा तो मेरे ऊपर आ जाएगा वो वाला भी ना। हाँ, वाला भी ना। वो चीज ही दिखा देता हूँ आपको, जैसे अपने सामने से मारा, क्या हुआ? वापस आया, रिटर्न आया मेरे पास। एक साइड से होता है, एक साइड से आपको क्लीन करना ही पड़ेगा अगर प्रिंट आउट अच्छा चाहिए तो, ठीक है ना। ये बेस्टेड है, ये खराब टोनर है, ये अनयूज है, ये यूज में नहीं आएगा, किसी काम नहीं, किसी काम का नहीं।
केक नहीं है, इसको कचड़े के डब्बा जो देखा होगा ना, होली खेल सकता है इससे। हाँ, होली में आप घोल के या वैसे लपड़ लो तो वो छुड़ा नहीं पाएगा। कोई भी चीज है उसको साफ करना है, क्या इसके अंदर क्या डस्ट रहती है, डस्ट जैसे पुराना टोनर या कागज की टुकड़े वो इसके अंदर रह जाते हैं, इसको अपन को साफ करना बहुत जरूरी है 88 में, ठीक है ना, 12 में जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज होती है मैग्नेट का, ये चीज देखना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, देख रहे आप लोग? यस सर। देखा माइनस, लीजिए ये चीज यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। कहीं कॉर्टेज जो है 88 जैसी होती है, टू कॉपी रहती है, उसका ये माइनस दिखना चाहिए आपको, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिट होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। ये अलग चीज है, ये वाइसर अगर आपने नहीं लगाया तो आपका प्रिंट आउट सही नहीं आएगा, उसमें डॉटेड 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 यानी एक पट्टा आएगा ब्लैक कलर का, ये अपन को लगाना है, ठीक। लगाने के बाद फिर ये अपन को फेड करना है। ये क्या 88 में एक प्लस पॉइंट रहता है, इसमें आप लगा सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना। हर कॉटेज में नहीं मिलता है, कंफर्टेबल कॉटेज मार्केट में बहुत आ चुकी है, कंफर्टेबल कॉटेज में नहीं मिलता ये चीज। ये गियर लगाया अपन ने, ये फिट करा, ठीक है, ये साइड में रख दिया। ये टोनर वाली यूनिट है, अब इसमें अपन टोनर डालेंगे। एटी एट का और 12 एम ए 12 का टोनर अलग अलग आते हैं, अलग अलग आते हैं, मैग्नेट दोनों देते हैं, मैग्नेटेड टोनर होते हैं दोनों, लेकिन 12 ए का जो है 88 में चलेगा नहीं, और 88 का 12 एम ए चल जाएगा। एटी एट का टोनर 88 में ही चलेगा, 88 का टोनर 12 में चल जाएगा, लेकिन 12 का 88 में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कभी ध्यान में रखना, कभी टोनर परचेस करो या कुछ करो तो जी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सेक करना बहुत जरूरी है, अगर आप सेक नहीं करोगे तो इसमें क्या घटान बन जाती है। और फिल करना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ये
देखिए आप इस तरह से सर इसमें काम करा रहे हैं, कैसे रिफिल कर रहे हैं देखिए। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी, जो भी आप ज्वाइन करना चाहें। हर फील्ड के लिए हमारे पास टीचर अलग होते हैं, हर फील्ड का काम अलग होता है। मार्केट ट्रेनर से हम सारा काम कराते हैं, जिन्हें काम आता है काम वहाँ सीखिए, जिनके पास एक्सपीरियंस है। काम वहाँ सीखने से कुछ नहीं होगा, डेमो 15 दिन 10 दिन डेमो, भीड़ दिखाना, इस तरह के कामों से आप सावधान रहिए। आपको यूज करना, आपको बिठाना, आपको भीड़ में शामिल करना, वो काम हमारा नहीं। टोटल आइए, फटाफट करिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी शॉप डालिए। इसमें और इसमें अंतर क्या है सर? ये वेस्ट है, ये क्या होता है, जो टोनर अपन प्रिंट आउट निकाल चुके हैं उसका जो वेस्टेज रहता है, जिसमें जो पेपर यूज हुआ है उसका डस्ट है, वो डस्ट इसमें मिला हुआ है, तो उसका प्रिंट आउट सही नहीं आएगा। ये अपना पेपर डाल रहे हैं साफ सुथरा, जो बोलते इंक है एक तरह से, ये बोलो तो फिल्टर वाला है, मतलब इंक है ना एक तरह से, मतलब इंक जो ब्लैक ब्लैक रहता है वो यही है। इंक नहीं बोलेंगे, इंक जो होता है वो लिक्विड होता है, और जो टोनर जो होता है वो पाउडर होता है। अपना व्हाइट पेपर है और अपन फोटो कॉपी करवाई अपन, तो जो ब्लैक ब्लैक जो लिखा आता है वो इसी से लिखा आता है क्या? बिल्कुल, वही कहने का मतलब था मेरा। शॉर्ट टोनर बोल सकते हो, इंक नहीं बोलोगे आप, इंक अलग चीज, इंक लिक्विड होता है मैं मान रहा हूँ, पर एक मतलब समझने का उससे आपके समझ के, इससे जो आपका सोच है वो हिसाब से, इसको इंक नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि ये टोनर है, टोनर मतलब पाउडर। जैसे घरवाली तुम्हारी होगी, अभी नहीं है, गर्लफ्रेंड होगी तो उसमें क्या होता है कि भैया कर रहे हैं पाउडर वाउडर। बहुत सारा बनता है यार, ये 80 ग्राम का आता है, ठीक है ना, 80 ग्राम पूरा इसमें जाता है, 80 ग्राम ये मत बोलो बहुत सारा आता है, ये बहुत कम है, इसके गेट के अनुसार बहुत कम है। इसके अंदर आप सोच रहे ये छोटा सा है, इसके अंदर गेप इतना है कि इसमें 120 ग्राम आ सकता है, लेकिन 80 ग्राम इसलिए डालते हैं कि ये लीक नहीं करे, कि इसका टोनर गिरे ना। 12 ए का जो होता है 180 ग्राम का आता है, जिसमें 150 ग्राम पाउडर डालता है, काम इसलिए डालते कि वो लीक ना करे, ये कारण होता है, ओवर ना हो। ओवर होना मतलब ये फिर वो काली काली पट्टियां आती, आपका प्रिंटर खराब, ठीक है। ये अपने मैग्नेट रॉड अपन ने पहले तैयार करके रखी थी, ये मैग्नेट रॉड लगाई अपन ने, इसमें मैग्नेट रहता है मतलब चुंबक, हाँ चुंबक, इसका नाम बताते हैं क्या है? मैग्नेट रॉड है। मैग्नेट रॉड को देखिए सारी फिटिंग कैसे क्या होगी,
भी अच्छे से ना थोड़ी पकड़ लो ना, पकड़ लो मैरिनेट। अगर प्रॉपर लग गई है सही से तो उसको घुमाना पड़ता है, तो घुमा के एक बार चेक करना पड़ता है कि टोनर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है ना इसमें, दिखाओ सर कि हाँ रॉड के ऊपर पूरा टोनर प्रॉपर आ रहा है, जरा से भी कट या कोई टोनर छूट नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अपनी रिफिलिंग और अपना मैग्नेट रॉड जो है प्रॉपर फिट हुआ है, प्रॉपर फिट हुआ है। ठीक है, ये गैप मिलाना है अपन को कंफर्टेबल। ये ओरिजिनल है, कंफर्टेबल में ये पूरा साथ निकलता है, ओरिजिनल में अलग अलग निकलेगा। ठीक है ना, कंफर्टेबल में ये पूरा साथ निकलता है, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन ने फिट कर दिया, ये हो गया खत्म। ये आपको देखना है कि हाँ मैग्नेट रॉड में पूरी टोनर जो है प्रॉपर आ रहा है। अगर यहाँ थोड़ा सा पहुंच जाए तो वो घुमाने के बाद सही हो जाएगा। अभी पूरा पहुंच दो आप, पूरी रॉड पहुंचो और पहुंचो, पूरी किलिंग कर दो। ये आप देख लो, ये पूरी किलिंग हो गई है। अब इसको मैं राउंड घुमाऊंगा तो टोनर वापिस आ जाएगा। आ गया, अगर बीच में से करो बीच वाले भी आ जाएंगे। हाँ कहीं पर भी करो, आप करो अच्छे से, लंबा करो, लंबा करो, देखना चाहिए। हाँ कर चुका गया, मतलब सही है, सही है। ठीक है, ये क्रॉस लगा, ये क्रॉस लगाओ, ये क्रॉस लगाया, ये क्रॉस लगाया, ये लगाया, ये लगाया, दिख रहा है जी। ठीक है, ये मैं घुमाऊंगा, ये खत्म हो गया, मतलब एकदम परफेक्ट सेट हुई, परफेक्ट। जरा से भी गड़बड़ हुई तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, यहाँ पे डॉट आने चालू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो प्रिंटिंग में गैप आएंगे या कुछ भी हो सकता है, लाइन प्रिंट आउट सही नहीं आएगा, लाइन वगैरह भी आती है। लाइन तो वो अलग चीज है, बहुत सी चीज है, लाइन तो फाड़ी बता देना। ड्रम खराब हुआ या कुछ हुआ तो उसमें लाइन की फॉल्ट आती है। ड्रम यही है, ड्रम ये पीसीआर कहलाती है, ये ड्रम कहलाता है, ये मैग्नेट कहलाती है, इसके नीचे ब्लेड लगी हुई है, डॉक्टर ब्लेड कहलाती है ना। ये वाली कहती है वाइपर, ये ब्लेड वो वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड नहीं पीसीआर, इसके नीचे वो है ब्लेड। ठीक है, ये अपन ने फिट करा, ये डैम फिट करा, फिर से दिखाऊंगा एक बार। नहीं 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 नहीं, देख लो आप, देख लो कोई इशू नहीं है उसमें। ये इनलेट अपन ने पूरा खोला था, ये अपन ने लगाया पीसीआर, ये पीसीआर कहलाता है। ठीक, ये ड्रम कहलाता है। पीसीआर का काम क्या है? ये ड्रम और पीसीआर जो काम करती है, ये जो ब्लेड लगी हुई नीचे, क्वेश्चन अच्छा करा तो आपको मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये लगी हुई आपकी ब्लेड धारदार है, धारदार नहीं है, प्लास्टिक। अच्छा, पेपर साफ करने के लिए। ये जो डस्ट निकलता है, जो टोनर जो ड्रम यूनिट यूज करता है टोनर, और जो बेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके इसके अंदर डालता है, खराब वाला, समझ गया। खराब टोनर कहाँ जाता है? इसके अंदर। तो ये इमेज बनाएगा और इसके सपोर्ट पर ये ड्रम और ये चलेगा, और ड्रम को क्लीन कौन करेगा? ये अच्छा ब्लेड। ठीक है ना, ये पीसीआर लगाई अपन ने, ये ड्रम लगा दिया। अब ये देखो हो गया, पैक हो गया चेतन। हाँ सर, चल उसको चला के भी दिखा दे। फरी गली, फरी गली, ये यहाँ से क्लीन होती है, वो मशीन से जब घूमेगी अलग चीज होती है। फिर इसको अपन इसको ऐसे पकड़ते हैं,
ये स्प्रिंग जो होती है इसको पूरा सेट करा, सेट करा, नो करो सेट। यो खत्म, इसमें कुछ नहीं है। इसमें चला के दिखाओ, मशीन में लगाओ। आइए अब इसको अपन लगा के देखते हैं किस तरह से काम करेगा। तो किसी भी तरह का कोर्स हो, इसी तरह से हम सारा सामने प्रैक्टिकल कराएंगे आपको, सारी चीजें कराते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं। आइए अब इसको प्रिंटर में लगा के दिखाते हैं और किस तरह से काम कर रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे लगाया, फिर से लगा के देखा। ये पेपर लिया इसने, ये इस तरह से आपका पूरा। ये इस तरह से पूरा प्रिंट आउट निकलेगा और ये आपका रेडी हो गया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।